अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हाईवे पर टेम्पो लूटकर यात्रियों को लूटने वाले अंतर राज्य लुटेरों के गैंग का मेरठ पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि रात में ये सभी यात्री बनकर टेम्पो में सवार हो जाते थे, बाईपास ले जाकर उसे लूट लेते थे। लूटे गए टेम्पो में यात्री बैठाकर उन्हें भी लूट लिया करते थे। गिरफ्तार बदमाशों में सुहेल शिवाजी नगर पिलखुआ, अक्षय कुमार शिवाजी नगर, शक्ति ग्राम आलमपुर, साहुल शिवाजी नगर, शावेज शिवाजी नगर सभी हापुड़ निवासी शामिल हैं। आज इन सभी लुटेरों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी किठौर चंद्रकांत मीणा ने यह जानकारी दी। 15 मार्च 2022 को थाना क्षेत्र खरखौदा में तालेब निवासी उलधन ने थाने में ये शिकायत दर्ज की कि उनके साथ रात 9 बजे जो है लूट हुई है। उनका ऑटो, एक नोकिया का फ़ोन और 5,000 रुपये की लूट की घटना हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस ने दोनों ने एक संयुक्त टीम बनाकर इस चीज़ के पीछे तफ्तीश करी। तमाम भौतिक साक्ष्य और डिजिटल एविडेंस के आधार पर ये अमूमन इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड पर ये लोग खड़े हो जाते थे और किसी बहाने से टेम्पो बुक करते थे। उसके बाद मौका पाकर ये टेम्पो लूट घटना को कारित करते थे और उसी टेम्पो को बाद में सवारी बिठाकर अन्य सवारों को लूटते थे लोग। मेरठ के अलावा इनमें से हापुड़ और गाज़ियाबाद में भी इन लोगों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन पर और भी कई मुकदमे दर्ज हैं।